हेलो फ्रेंड्स, आज हम छिलका वाली मूंग की दाल के बफौरे बनाएंगे। इससे पहले हमने इसी दाल के मंगौड़ी भी बनाए थे। आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ नीचे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हम इसे 2 घंटे पानी फुला कर रख देंगे या फिर रात में भी रख सकते हैं। सुबह नाश्ते में बहुत अच्छी लगती हैं। इसे हम पानी फुला कर रख देंगे। ये देखिए, हमने 2 घंटे से पानी फुलाया रहा तो हमारी फूल गई कितने अच्छी तरह से। हमने आधा बाउल इसे लिया रहा, ये फूल कर हमारी एक फूल हो गई है। अब हम इसे 2-3 बार अच्छे पानी से वॉश कर लेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। चलिए अब हम इसे वॉश करके ग्राइंड कर लेते हैं। ये हमने जार में डाल लिया है। अब इसमें 2-3 हरी मिर्च और अदरक डाल लेंगे और हींग, थोड़ी सी 1 पिंच हींग डाल लेंगे, थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती। ये हमने डाल लिया है। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे और हमें ज़्यादा इसे चिकना नहीं ग्राइंड करना है, थोड़ा सा दरदरा ही हमें ग्राइंड करना है। हमने इसे ग्राइंड कर लिया है, देखिए इस तरह से, हमने ज़्यादा बारीक नहीं करा है। अब हम इसे बना लेते हैं। सबसे पहले हमें एक बड़ी गंजी लेकर उसमें आधा गंजी पानी भर लेना है और इसको कॉटन के कपड़े से ढक देना है। कॉटन का कपड़ा हमें थोड़ा सा गीला कर लेना है और फिर इसे बांधना है। और हमें कॉटन का कपड़ा बांधने के बाद ही गैस के फ्लेम को ऑन करना है, नहीं तो फिर ये गर्म हो जाएगा। तो हमने कपड़ा बांध लिया है, अब अपने गैस के फ्लेम को फुल फ्लेम में ऑन कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सूखा मसाले डालेंगे, जैसे कि मेथी नीम डाल लेंगे 2-3 पत्ती, सफेद नमक 1/2 चम्मच और भुंजा जीरा 1/2 चम्मच। इसे हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने हरी मिर्च इसमें डाल चुकी है, इसलिए हम लाल मिर्च इसमें नहीं डाल रहे हैं। अगर स्पाइसी पसंद करते हो तो थोड़ा लाल मिर्च डाल सकते हैं। ये पानी हमारा गर्म हो गया है। गैस के फ्लेम को धीमा करके इसमें पकौड़ी टाइप में छोटी छोटी रखेंगे इस तरह से। इसमें हमारी जितनी आ जाए हम अच्छे से रख लेंगे। गैस के फ्लेम को फुल करके अब इसे हम ढक देंगे। 5 मिनट बाद चेक कर लेंगे इसे। 5 मिनट हो गए हैं हमारे। अब इसे हम चेक करेंगे प्लेट हटा के। ये देखिए कितनी अच्छी आ गई है, कितनी अच्छी तरह से अब निकल भी रही हैं। सारी हम निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी भी बना लेंगे। देखिए हमारी कितनी अच्छी आ गई है। अब हम इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे पैन में, या फिर आप ऐसे भी खा सकते हैं हरी चटनी के साथ। हम इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। हमने पैन रख दिया है, इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे और गैस के फ्लेम को तेज कर देंगे। इसको गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया, इसमें 1 चम्मच राई डालेंगे, सफेद तिली 1 चम्मच, अब इसमें हम मीठी नीम और सूखी लाल मिर्च या फिर हरी मिर्च कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। अब इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ये हो गई है। अब इसमें हम बफौरे रख देंगे जो हमने बनाए रहे। इसको हम 2 मिनट पकने देंगे, फिर इसे पलटा कर निकाल लेंगे। अब हम इसे पलटा लेंगे, सारी पलटा लेंगे हम। इसे अब 2 मिनट दूसरे साइड से भी पकने देंगे। ये बहुत जल्दी बन जाती है, ज़्यादा सामान का यूज़ भी नहीं करा है हमने। इसे आप घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही इजी रेसिपी है। ये हमारी हो गई है। अब इसे हम निकाल लेंगे गैस के फ्लेम को बंद करके। ये हमारे रेडी हो गए हैं।
इसे आप घर में ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कैसे बने हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।